बीजेपी ने एक बार फिर सीधी लोकसभा सीट से रीति पाठक को चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत दिग्गज बीजेपी नेताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने पहला पर्चा भरा। इससे पहले रोड शो निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नामांकन के बाद जनसभा रखी गई जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चारों तरफ चुनाव का माहौल है, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ तमाम सारे चोलों का रेला है। और इसलिए दिन भर देश चुनाव की चर्चाओं से गर्म है। यह चुनाव पार्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यह चुनाव देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब डर होता है तो मोदी जी का इतना भय है कि लोगों को लग रहा है कि अगर इकट्ठा नहीं हुए तो आने वाले कल में हमारी राजनीति के लाले पड़ जाएंगे। और इसलिए जो लोग एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, तो कहीं हाथी साइकिल पर बैठ रहा है और कहीं हाथी की पीठ पर साइकिल लदी हुई है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेसी आपके यहां प्रचार करने के लिए आए तो आप उनसे जरूर पूछो, क्योंकि आज जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसमें दो ही नेता हैं, एक मां है और एक बेटा है, और दोनों लोग 400 बीसी के केस में मुलजिम है और जमानत पर बाहर है। जो लोग 400 बीसी के अपराधी हो वो मोदी जी पर आरोप लगाए, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। तोमर ने कहा कि एक तरफ मोदी है दूसरी तरफ चोरों का मेला है। उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहीं हाथी साइकिल पर बैठा रहा है तो कहीं हाथी की पीठ पर साइकिल सवार है। तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी माँ बेटे की पार्टी है, दोनों 420 के मामले पर बेल पर हैं। तोमर ने सीएम कमलनाथ के ओएसडी के ठिकानों पर आईटी छापे को लेकर कहा कि सरकारी खजाने का पैसा ओएसडी जेब में जा रहा था। इतनी बड़ी राशि बरामद होना भ्रष्टाचार होना साबित हो चुका है। कांग्रेस इसके अलावा और कह क्या सकती है? कमलनाथ जी के जो प्रमुख सिपे सालार हैं उनके जहाँ इनकम टैक्स के रेट पड़े, आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है काले धन का उपयोग चुनाव में न हो, इस दृष्टि से चुनाव आयोग की और इनकम टैक्स की नज़र ऐसे लोगों पर रहती है और वो लोग निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी के सलाहकारों के यहाँ जो छापे पड़े और उसमें जो रकम मिली, उससे यह बात अपने आप में सिद्ध हो जाती है कि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस समय सारा लीकेज बंद हो गया था, पैसा खजाने में जमा हो रहा था, सड़कें बन रही थी, बच्चों को वजीफे दिए जा रहे थे, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाएं जैसी योजनाएं चालू की जा रही थी, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, किसानों को 200 रुपये कुंटल के हिसाब से बोनस दिया जा रहा था, भावांतर का भुगतान किया जा रहा था। आज लीकेज बढ़ गया है कांग्रेस के राज में, जो पैसा खजाने में आना चाहिए वो पैसा कांग्रेसियों की जेब में जा रहा है। यह रेट में इतनी बड़ी रकम मिलना इस बात को प्रदर्शित करती है। आपको बता दें कि रीति पाठक का इस बार मुकाबला एमपी के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह और राहुल भैया से। वहीं पाठक को दोबारा टिकट देने पर बीजेपी में विरोध हो रहा है तो कांग्रेस में भी अजय सिंह को टिकट देने पर अंदर खाने
विरोध है। ऐसे में इस बार पाठक और अजय सिंह दोनों के लिए राह आसान नहीं है। इस जंग में बाजी कौन मारता है, इसे जानने के लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।